नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्र की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े से बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहे। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 25 सितंबर से 1 नवंबर तक का है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आपका यह सप्ताह आर्थिक लाभ वाला सप्ताह रहने वाला होगा। भाग्योदय का समय आ गया है। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बना हुआ संकट दूर होने वाला है। इस सप्ताह आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। आपके लिए यह सप्ताह अनेक मामलों में लाभ दिलाने वाला रहेगा। राशि स्वामी मंगल की छठे भाव में उपस्थिति शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और रोग दूर हो जाएंगे। परिवार में किसी को लंबे समय से रोग परेशान कर रहा है तो आपके प्रयासों से वे भी स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग हरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत गरीबों को किसी भी प्रकार से सहायता करके करें। वृषभ राशि, कार्य व्यवसाय तथा पारिवारिक स्थितियों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। राशि स्वामी शुक्र की पराक्रम भाव में उपस्थिति आपके भाव का दायरा विस्तृत करने वाला है। आर्थिक लाभ होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस सप्ताह अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। आपके संबंध मजबूत होते चले जाएंगे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। भाई बहनों से आप विवाद हो रहा होगा तो उससे बचकर रहे। संबंधों में सुधार आएगा। आपके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि, आपके लिए यह सप्ताह धन लाभ तथा संपत्ति सुख देने वाला सप्ताह साबित हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए उन्नति और वृद्धिदायक भी रहेगा। राशि स्वामी बुध का तृतीय भाव में उपस्थिति परिवार के साथ संबंधों में सुधार लाएगी। आपके भाव क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। लोग आपकी बात मानेंगे और आपके निर्णयों को सर्वत्र सराहना मिलेगी। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो रोगों से दूर रहेंगे और दाम्पत्य में भी आपके प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग काला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दही शक्कर खाकर करें। कर्क राशि, कोई बड़ा निर्णय लेने का समय यह सप्ताह रहेगा। करियर में ग्रोथ मिलेगी। नौकरी में उन्नति के साथ बदलाव होगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति हो सकती है, किंतु कुछ कारणों से आपको मानसिक भ्रम हो सकता है। आपके द्वारा पूर्व में लिए गए कुछ निर्णय गलत साबित होने से मन दुखी रह सकता है। युवाओं को करियर में इच्छा अनुसार सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग नीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल अर्पित करके करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपनी वाणी के तृतीय भाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उनसे मनचाहा काम करवा सकेंगे। यदि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपको अनेक अवसर देने वाला रहेगा। राशि स्वामी सूर्य की उपस्थिति धन भाव में होने का कारण आपको भरपूर लाभ मिलेगा। लंबे समय से फंसा हुआ पैसा लौट कर आ जाएगा। नया निवेश करेंगे। सरकारी सेवा क्षेत्रों से ठेकेदारी से पैसा कमाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो स्थितियां अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खान पान का ध्यान रखें। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें।
कन्या राशि, नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, पुराने निवेश से लाभ कमाएंगे, धन तंगी कम हो जाएगी, नई संपत्ति खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपकी राशि स्वामी बुध इस सप्ताह द्वादश भाव में स्थित होकर शुभ फलदायी रहेगा। नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, नौकरी पेशा के कार्य पद और जिम्मेदारियों में बदलाव होने के योग हैं, जो शुभ रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। संतान पक्ष के कार्य में नई उन्नति नजर आएगी, सुखों पर खर्च करेंगे। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सितंबर के इस अंतिम सप्ताह में आपका राशि स्वामी शुक्र दशम भाव में स्थित होकर शुभ फलदायी हो रहा है। आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आजीविका के नए साधन प्राप्त होंगे, करियर गति पकड़ेगा, आर्थिक स्थिति सुखद रहेगी, युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी, नए प्रेम संबंध बनेंगे, स्वास्थ्य उन्नति रहेगा, किसी प्रियजन से भेंट होगी, मानसिक शांति अनुभव होगी, लंबे समय से अटके हुए काम भी इस सप्ताह तेज गति से पूरे होने की संभावना नजर आ रही है। आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग नारंगी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नतिदायक रहने वाला है। राशि स्वामी मंगल की उपस्थिति लाभ भाव में होने से चारों ओर से सुगल समाचार प्राप्त होंगे, संपत्ति में वृद्धि होगी, नए भूमि भवन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं, पारिवारिक माहौल सुखपूर्वक रहेगा, दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर होगा, स्वजन के साथ यात्राओं पर जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल होगी, किसी मित्र के सहयोग और साझेदारी से नया कारोबार प्रारंभ हो सकता है, नौकरी पेशा को उच्च अधिकारियों की ओर से सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग भूरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा देव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, सितंबर का यह अंतिम सप्ताह शुभ और अनुकूल रहेगा। राशि स्वामी गुरु की पंचम भाव में उपस्थिति संतान पक्ष के लिए उन्नतिदायक रहने वाली है। नव दंपतियों को संतान सुख मिलता नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह शुभ है। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वे विदेश में जाकर पढ़ाई करें, तो यह इच्छा उनकी पूरी होगी। नए कार्यों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। करियर को गति मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार के साथ यात्राओं पर जाने का सहयोग बनता नजर आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, यह सप्ताह आपके लिए नई चुनौतियों के साथ नए अवसर लेकर आ रहा है। आप लंबे समय से जिन कामों के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में बना हुआ संकट दूर हो जाएगा। राशि स्वामी शनि का धन भाव में होना शुभ संकेत है। नए कार्य की रूपरेखा बनेगी और उसे धरातल पर उतारने में सफल रहेंगे। करियर और जीवन को नई उड़ान मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बड़ा संकट नहीं आएगा, खर्च में कमी होगी और पैसों की बचत होगी। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, राशि स्वामी शनि की उपस्थिति इसी राशि में होने का भरपूर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। साझेदारी में किए गए काम में सफल होंगे। मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के सहयोग और साझेदारी में बड़ी परियोजनाओं पर काम प्रारंभ करेंगे। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर हो जाएगा और प्रेम में वृद्धि होगी। अविवाहितों का विवाह की बात पक्की होने के योग है। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक मामलों का निपटारा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रोगों पर हो रहा खर्च कम होगा। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल डालकर करें। आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की।
मीन राशि, आपका राशि स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपके भाग्योदय का मार्ग खोल रहा है। यह सप्ताह आपके लिए बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है। पारिवारिक, सामाजिक, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव होंगे। कोई व्यक्ति आपके दिल के अत्यंत करीब आने वाला है। आर्थिक मजबूती की ओर अग्रसर होंगे। नए कार्य आपको प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अविवाहितों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। पुराने रोग दूर हो जाएंगे। खर्चों में कमी आएगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत इलायची खा कर करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा एक खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।